तो दोस्तों आज हो गई है 1 फरवरी और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 1000 लोगों की सभा को मिली है इजाजत, 11 फरवरी तक बढ़ा है रैलियों पर प्रतिबंध। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल है। और वहीं देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी अपने चरम पर है, कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने चुनावी रैली और रोड शो पर रोक लगा रखी है। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से प्रचार के लिए राजनीतिक दलों को थोड़ी यहां पर राहत जरूर दी गई है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को 1000 लोगों के साथ चुनावी सभा करने की इजाजत दे दी है। इतना ही नहीं अब 20 लोग डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं, पहले इसकी संख्या 10 थी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला, कहा सरकार को बर्खास्त करे केंद्र, हो मध्यावधि चुनाव। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधान परिषद चुनाव अपने दम पर लड़ने की बात कही है। आप लोगों को बताते चलें, उन्होंने एनडीए गठबंधन में हुई सीट शेयरिंग पर कहा है कि जिस तरीके से 2 घटक दलों यानी कि वीआईपी और हम की अनदेखी की गई है, उससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। और इसके साथ ही चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि 50-50 के फार्मूले पर काम करने वाली नीतीश कुमार की पार्टी को 11 सीटें ही मिली हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि उनको झुकाया जा रहा है और उनका वर्चस्व भी कम हो रहा है। एलजेपी के सांसद ने आगे कहा है कि बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी से शराबबंदी कानून नहीं संभल रहा है, नीतीश सरकार से राज्य भी नहीं संभल रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा करके यहां पर मध्यावधि चुनाव कराने चाहिए ताकि नए सिरे से जनता सरकार चुन सके, ये कहना है यहां पर चिराग पासवान का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गवर्नर को दिया है तगड़ा झटका, सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर किया है ब्लॉक। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कामकाज के तौर तरीकों से ऐतराज जताया है। अपनी प्रेस वार्ता में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लेकर के हुए सवाल पर उन्होंने कहा है कि अब वो उनके ट्वीट नहीं पढ़ती हैं, उन्होंने राज्यपाल धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि राज्यपाल ट्विटर पर कुछ भी लिखते हैं, अफसरों को उल्टा सीधा कहते हैं, राज्यपाल ऐसे व्यवहार करते हैं कि हम उनके नौकर हैं, वे यहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी को लगातार परेशान कर रहे हैं, ये कहना है ममता बनर्जी का, और राज्यपाल को ले लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राष्ट्रपति के संबोधन में चीन पाकिस्तान का जिक्र नहीं, कांग्रेस ने नागालैंड और कोविड से मौतों पर भी चुप्पी पर उठाया है सवाल। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चिंता जताई है और कहा है कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में चीन और पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, जिन दो मोर्चों पर भारत लगातार जूझ रहा है। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ने नागालैंड में हुई हत्याओं का भी कोई जिक्र नहीं किया है और सरकार ने कोविड से मौतों पर माफी भी नहीं मांगी है। संसद में कांग्रेस ने सवाल किया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने का कोई उल्लेख आखिर क्यों नहीं है, ये यहां पर कहना है दोस्तों कांग्रेस पार्टी का। एक और अपडेट बताते चलें, यूपी के दरोगा ने भरी सभा में दिया है इस्तीफा, कहा बीजेपी वालों ने खून पी रखा है, गाली और धमकी देकर के मांगते हैं वोट। जी हां दोस्तों, भाजपा से परेशान जनता के द्वारा नेताओं को भगाए जाने के बाद अब भाजपा नेताओं से परेशान दरोगा ने भरी सभा में अपना त्याग पत्र ही दे दिया है। घटना मेरठ की है, वन दरोगा अजीत भड़ाना ने हस्तिनापुर से सपा आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशी योगेश वर्मा की सभा में भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए
यहां पर इस्तीफा दे दिया है। वन दरोगा अजीत भड़ाना ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी वालों ने खून पी रखा है, मंत्री विधायक धमका करके वोट मांगते हैं, उनसे परेशान होकर के नौकरी छोड़ रहा हूं, समाज के लिए त्याग पत्र दे रहा हूं, अपने विभाग को भी पत्र भेज दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, भाजपा ने शांत की है योगी की गर्मी, वापस मठ में पहुंचा दिया राजभर ने कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में उतर चुकी हैं। इसके साथ ही बयानबाजियों का दौर भी जारी है और भाजपा के कई नेता लगातार यहां पर एक एक करके विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर यहां पर अब आप लोगों को बताते चलें विपक्ष हमलावर हो चला है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने योगी की गर्मी शांत कर दी है, उन्हें वापस मठ में पहुंचा दिया है बीजेपी ने ही, और वहीं सीएम योगी के दो लड़कों के दंगा कराने वाले बयान पर राजभर ने कहा है कि एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर ही समझता है। वे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि एक दंगाई दूसरे को दंगाई ही समझता है, भाजपा में सभी दंगाई है। सीएम योगी के तमंचाधारी के बयान पर राजभर ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के पहले योगी पर खुद आपराधिक मामले थे, वे खुद तमंचाधारी हैं, उन्होंने सीएम बनते ही अपने ऊपर से सारे मुकदमे वापस ले लिए, लेकिन सभी की फाइल खुल करके रहेगी, सरकार तो आने दीजिए, ये यहां पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पेगासस कांड पर चौतरफा घिरी है मोदी सरकार, टीएमसी ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। आप लोगों को बताते चलें, पेगासस जासूसी कांड पर ताजा खुलासों के बाद मोदी सरकार चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष ने संसद के बजट सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस के बाद अब टीएमसी ने भी पेगासस मामले में सरकार पर सदन और सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने पेगासस मामले में सदन को गुमराह करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर का हवाला देते हुए टीएमसी के सांसद सौगत राय ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर सदन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने और देश के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। यह यहां पर चौतरफा मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, कांग्रेस के नेता शशि थरूर का पीएम मोदी पर तंज, कहा ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक है। ओ मित्रों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि ओमाइक्रॉन से भी ज्यादा खतरनाक ओ मित्रों है। दरअसल पीएम मोदी अक्सर अपनी रैली में लोगों को संबोधन के दौरान ओ मित्रों का इस्तेमाल करते हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है। कांग्रेस के नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ओमाइक्रॉन से कहीं ज्यादा खतरनाक है ओ मित्रों, हम हर दिन बढ़ते ध्रुवीकरण, नफरत और कट्टरता को बढ़ावा देने, संविधान पर कपटपूर्ण हमलों और हमारे लोकतंत्र के कमजोर होने के परिणामों को माप रहे हैं। वायरस का कोई हल्का संस्करण नहीं है। ये यहां पर शशि थरूर ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, आर्थिक सर्वे पर राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी सरकार को जनता का दर्द नहीं सिर्फ अपना खजाना दिखता है। आर्थिक सर्वे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा है और ट्वीट कर कहा है कि देश की जनता टैक्स वसूली के बोझ से परेशान है, जबकि मोदी सरकार के लिए ये टैक्स की कमाई एक बड़ी उपलब्धि है। नजरिए का ही अंतर है, उन्हें जनता का दर्द नहीं सिर्फ अपना खजाना ही दिखता है। ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का और पीएम मोदी की सरकार को घेरा है। एक और अपडेट आ रही है सामने, भाजपा की अहंकारी सत्ता में डायन, महंगाई अब घर जमाई बन गई है। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला का जोरदार हमला, कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि महा महंगाई भाजपा लाई। उन्होंने कहा है कि महंगाई का आलम यह है कि केंद्र की मोदी व यूपी की योगी सरकार जब ये शब्द जुबा पर आते हैं तो लोगों का खाली जेबों में हाथ जाता है और हर देशवासी हर बार यही दोहराता है, मोदी जी एक तो आमदनी कर दी कम, ऊपर से दिया महंगाई का गम। सुरजेवाला ने आगे कहा है कि सच यही है कि जिन्हें सौंपी थी रोशनी की रहनुमाई बुझाकर के चिराग, वे दे रहे हैं उजाले की दुहाई। ये यहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार से लेकर के प्रदेश की योगी सरकार पर। इस समय की दोस्तों आज की
सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNBTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।